दोस्तों को फोन कर खाने का जुगाड़ करते थे राजकुमार राव। इस एक फिल्म ने बना दिया सुपरस्टार। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म मेड इन चाइना की वजह से सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री मौनी रॉय भी मुख्य भूमिका में हैं। ये दोनों कलाकार इन दिनों अपनी इस फिल्म का जोर शोर से प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशन के दौरान राजकुमार राव ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में कई खुलासे किए हैं। 31 अगस्त 1984 को गुड़गांव के अहिरवाल में जन्मे राजकुमार राव ने गुड़गांव के ब्लू बेल्स मॉडल स्कूल से पढ़ाई की है। आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली पहुंचे और यहां दिल्ली विश्वविद्यालय के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। अपने अभिनय के दम पर राजकुमार राव ने न केवल बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई बल्कि बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किया है। राजकुमार राव को बॉलीवुड में पहला ब्रेक फिल्म लव सेक्स और धोखा और रागिनी एमएमएस जैसी फिल्मों से मिला, लेकिन पहचान फिल्म काईपोच्छे से मिली। फिल्मी करियर के शुरुआत में जब राजकुमार को सफलता नहीं मिली तो उन्होंने अपनी मां के कहने पर अपने नाम की स्पेलिंग बदल दी और राजकुमार राव की जगह राजकुमार राव लिखने लगे। राजकुमार राव ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो मुंबई काम की तलाश में आए थे तो उन्हें मुंबई में छोटे मोटे विज्ञापन मिल जाते थे। उन विज्ञापनों में वो 10वें नंबर पर खड़े रहते थे। राजकुमार राव ने बताया था, मैं तकरीबन 10,000 रुपए महीना कमा लेता था, लेकिन फिर भी कई दिन ऐसे थे जब मेरे पास कुछ नहीं होता था और मुझे अपने दोस्त को फोन कर खाने का जुगाड़ करना पड़ता था। राजकुमार ने बताया था, जब मैं बड़ा हो रहा था तो शाहरुख से बेहद प्रभावित था। मैं उनके पोस्टर्स को देखता रहता था और कई बार सोचता था कि अगर शाहरुख जैसा इंडस्ट्री से बाहर का एक्टर आकर बॉलीवुड पर राज कर सकता है तो शायद मेरे लिए भी उम्मीद की किरण तो है। आज राजकुमार की फिल्मों को देखकर ये बात तो माननी पड़ेगी कि वो चाहे कोई भी किरदार क्यों न करें, बड़ी ही आसानी से उसे निभाते हैं। ऐसे कि आपको भी लगे कि ये आदमी है ही वैसा।